हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केसेट। हाँ तो गाइस, सभी को पता है प्रभास अन्ना सर की कल की 2898 AD काफी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब कि मरे जा रहे हैं इसके ऑफिशियल अपकमिंग अनाउंसमेंट के लिए कि अपकमिंग अनाउंसमेंट क्या होने वाला है। देन सडनली कोई बंदा ऐसा बोलता है कि कल की 2898 AD पोस्टपोन्ड होने वाली है। अब गाइस पोस्टपोन्ड का नाम लिया है तो प्रभास अन्ना सर के जितने भी हेटर हैं सबके कान खड़े होने वाले हैं कि क्या है, क्यों है, ये तो अच्छा हो गया, ये हो गया। और काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हर्ष भाई कल की मूवी को एक्चुअल में पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है। BST भैया ने वीडियो बनाया है कि कल की मूवी को पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ रिलेवेंट अपडेट है तो आप हमारे साथ शेयर कर दें। और काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हर्ष भाई पोस्टपोन होगी या नहीं होगी या जस्ट एक र्यूमर है। तो भाई सब काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है प्रभास अन्ना सर के फैन के लिए। मैं सब बता रहा हूँ पोस्टपोन होगी या नहीं होगी और होगी तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, ये बात तो सभी को क्लियर है कि हर किसी को पता है कि 21 मार्च को इसका ऑफिशियल टीजर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी बड़े बड़े सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि 21 मार्च को इसका टीजर देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि काफी जल्दी टीजर आने वाला है और इन अ वीक ये जो वीक आने वाला ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है मूवी की टीम की तरफ से। देन सडनली गाइज अभी कुछ ही देर पहले भाई साहब काफी लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन किए और भाई साहब मेरे व्हाट्सएप पे भी काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हर्ष भाई कल की 2898 AD को पोस्टपोन किया जा रहा है क्या, अगर किया भी जा रहा है तो क्या रीजन है इसके कारण। फिर गाइस काफी लोगों ने क्वेश्चन किया तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और मैं सोच में पड़ गया यार, मूवी की टीम तो अभी अनाउंसमेंट करने वाली थी, टीजर शेयर करने वाली थी, ये सडनली कौन सा बम बारूद गिर गया कि भाई साहब इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। तो गाइस अभी मैं सच सच बताऊं ना तो जितने भी लोगों हैं प्रभास अन्ना सर के, इवन हेटर भी है, तो भाई साहब जैसे मैंने ट्विटर विजिट किया तो वहां पर भाई साहब ऐसे कोई होता ना कि एक सही सोर्सेस, एक होता ना कि एक सही चीज की तलाश, तो भाई सब ट्विटर पे मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। देखने को मिला है तो काफी कम सोर्सेस देखने को मिले जिनके भाई सब 50-60 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, किसी के 200 हैं, किसी के 300 हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कल की मूवी को पोस्टपोन किया जा रहा है। अब गाइस पोस्टपोन किया जा रहा है तो दिमाग में एक बत्ती चल रही है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ पोस्टपोन्डेड कल की 2898 AD। तो भाई साहब अभी ऐसा रीजन इतना खास नहीं आया है, रीजन जो बताया जा रहा है भाई साहब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इलेक्शन होने के कारण 13 मई को भाई साहब इलेक्शन होने के कारण इसे डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। तो गाइस अगर देखें पोस्टपोन जैसा ऐसा बड़ा रीजन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि इलेक्शन है वो तो कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, माना इलेक्शन है भाई साहब वो हो जाएंगे, लेकिन इसके चक्कर में प्रभास अन्ना सर की कल की 2898 AD को पोस्टपोन करना आई थिंक अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। और अगर थोड़ा सा डिले भी कर दे, थोड़ा पोस्टपोन भी कर दे, तो भाई सब यहां पर मूवी की टीम को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने को मिल जाएगा, जो भी होता ना कि एडिशनल वर्क करने को मिल जाएगा, पैचअप वाला सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा और जो जो रुकावट अपने को देखने को मिल रही थी वो भी कंप्लीटली हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है आज ही मॉर्निंग में भाई सब अपने प्रभास किंग ने अपने किंगडम में रिटर्न हुए, यानी कि हैदराबाद में रिटर्न हुए हैं। तो गाइस अभी ऐसा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ऐसा कोई ऐसा बड़ा सोर्सेस भी नहीं मिल रहा कि जो कि बोल दे कि भाई साहब इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। भाई 40-50 फॉलोअर्स वाले लोग बोल रहे हैं कि इसे पोस्टपोन किया जा रहा है, वो भी इलेक्शन आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इलेक्शन के कारण इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। बाकी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है भाई साहब 9 मई को दिखा दो तो भी बढ़िया है, और थोड़ा सा 1-2 महीना पोस्टपोन कर दोगे तो भी बढ़िया है। भाई साहब सालार के टाइम इतना लंबा खींच के गए तो भी हमने उफ की थी क्या भाई साहब, अभी 1-2 महीने भी कर देंगे 3 महीने कर देंगे तो हम कौन सा उफ करने वाला, हम तो फैन है भाई साहब प्रभास अन्ना सर की कल की 2898 AD हॉलीवुड लेवल पे जाने वाली। तो भाई साहब थोड़ा सा टाइम और वेट कर लेंगे, क्योंकि देखना यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर नाग अश्विन सर कल की 2898 AD को किस तरह से, मतलब कि प्रमोशन करेंगे, किस तरह से टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स प्रमोशन, मतलब कि हर चीज करने वाले जो कि ऑन द वे है। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कल की 2898 AD के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपके क्या ओपिनियन है कल की के पोस्टपोन के बारे में, और ये जो रीजन सामने आ रहा है इलेक्शन का इसके बारे में क्या लगता है, डायरेक्टर नाग अश्विन सर के बारे में क्या लगता है,
टीजर के बारे में क्या लगता है कि पोस्टपोन करने वाले या फिर टीजर का अनाउंसमेंट करके उसे दिखाने वाले हैं? अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।